हेलो बच्चों, कैसे हो? खूब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अरुण खंडेलवाल और सीएलसी सीकर से लेके आया हूं मैं गुरु नीति फॉर नीट 2023। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मेरे साथ। आइए, पहला क्वेश्चन नीट 2014 में आया हुआ है। दो सर्वसम एक से लंबे चालक तार एओबी तथा सीओडी एक दूसरे के ऊपर आपस में लंबवत रखे गए हैं और ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। इनसे क्रमशः I1 तथा I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। बिंदु ओ से डी दूरी पर दोनों तारों के तल के लंबवत दिशा के अनुदिश स्थिति पर किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at the right angle to each other with one above other such that O is their common point for the two. The wire carry I1 and I2 currents respectively. Point P is lying at a distance D from the O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. जिस प्लेन में वायर्स हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में पॉइंट पी है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी विल बी। तो मैं जा रहा हूं अगले पेज पर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फिर भी सबसे पहले मैं आपको प्लेन फिक्स करना चाहूंगा। पहले तो आप प्लेन फिक्स कर लो, जैसे कि अपन बनाते ना टेबल, ये लो तीन पैर नहीं है चार पैर है। अब इसमें दो वायर्स, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा, दोनों के बीच में कितना एंगल है? दोनों के बीच में एंगल है 90, ठीक है। और इन दोनों के कंटेनिंग प्लेन, जो कि टेबल का प्लेन है हॉरिजॉन्टल, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना है लाइक दिस। यहां पर ये कोई पॉइंट पी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा। अब ध्यान से देखिएगा, इस डार्क वाले वायर के लिए यदि आप इस वायर को इस तरह से पकड़ेंगे थंब करंट की दिशा में, करंट की डायरेक्शन में, तो आपकी फिंगर्स का कर्लनेस, फिंगर्स जो उंगलियों का मुड़ाव है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा कुछ इस डायरेक्शन में। B1 वेक्टर। अब ये दूसरा वाला जो वायर है, राइट, एक को आप बोल दो I1, एक को बोल दो I2, तो I2 के कारण इसी पॉइंट पर अब वापस से I2 की डायरेक्शन में थंब को रखते हुए इस तरह से पकड़ोगे तो फिंगर्स कर्ल इस तरह से होंगी, एक आएगा इधर, B2 वेक्टर। यदि इन दोनों के बीच में एंगल, वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। और आपसे पूछा गया रिजल्टेंट, बी वैक्टर का मॉड, दो परपेंडिक्युलर वैक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, आया कुछ याद? और B सिंगल करंट कैरिंग वायर के कारण जो B का फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर परपेंडिकुलर ऑफ दैट पॉइंट, उस बिंदु की दूरी उस वायर से। जैसे कि यहां पर लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है जो दूरियां हैं वो स्मॉल d है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल d है, ठीक है, 3D में बनाने की कोशिश की है मैंने, तो यहां R की जगह आप D रख देंगे। चलो एक बार आप B1 निकालने के लिए I1 रखेंगे, B2 निकालने के लिए I2 रखेंगे, इस फॉर्मूले को यहां पुट करेंगे तो देखो जो कॉमन पार्ट है वो तो अपन बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2πi, और नीचे आएगा D। अंदर बताओ क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, सही है कोई ऐसा ऑप्शन? म्यू नॉट 2πd ये रहा, अंडर रूट नहीं दे रखा, पावर हाफ दे रखी है, क्यों? इजी लगा? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2015 में आया हुआ है, 15 के अंदर, उसी टॉपिक से है, मैंने सब टॉपिक वाइज इनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक तार का आकार यहां आरेख में दिखाया गया है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार के रेखीय भाग बहुत लंबे हैं और एक्स अक्ष के समांतर हैं, यहां पर अक्ष भी दे रखी है, तार का अर्धवृत्ताकार भाग वाई जेड तल में है, ठीक है, और इस भाग की त्रिज्या कैपिटल आर है,
तो ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, इंग्लिश में पढ़ते हैं, वायर कैरिंग करंट आई हैज द शेप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, लीनियर पार्ट्स ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाइल सेमी सर्कुलर पार्ट या पोर्शन ऑफ द रेडियस आर इज लाइंग इन द वाइजेड प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, हर ऑप्शन के अंदर आई कैप और के कैप आ रहा है, सब ऑप्शन के अंदर कुछ आई कैप प्लस माइनस या के कैप प्लस या माइनस है। आप अमाउंट की तरफ मत जाओ, सीधा आंसर निकालना। आप इस कॉन्सेप्ट को कहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट ऑप्शंस को देखकर करना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम इसको बिना किसी पेन की हेल्प से कर सकते हैं। यस, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शंस देखो आप किस तरह से अरेंज किए हुए हैं, सबके सबके कोफिशियंट्स, किसी का प्लस किसी का माइनस, कोई भी दो ऑप्शन में कोफिशियंट्स एक ही साइन के नहीं है, आई कैप और के कैप के। चलो सबसे पहले ध्यान दो, मैं आपको 3D में बताने की कोशिश करता हूं। यहां से एक वायर आ रहा है, इस प्लेन में एक सर्कुलर लूप है हाफ, और वही वायर आगे जा रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से आ रहा है मेरी तरफ, फिर सर्कुलर इस वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूम गया हाफ और फिर आगे चले गया। अब मुझे तो यहां से भी कोई करंट आ रही है, तो इस पॉइंट कौन सा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड है आपको निकालना है ओ पॉइंट पर, वायर यहां से आ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ से, ओके, तो इस वायर के कारण इस पॉइंट ओ पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, मोड़ो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ नीचे की तरफ, नीचे, ऊपर की डायरेक्शन है जे कैप, नीचे की है माइनस जे कैप, जेड कैप, जिसको आप बोल सकते हो माइनस जे कैप कोफिशियंट आना चाहिए, माइनस के कैप आना चाहिए, जेड ऊपर नीचे माइनस जेड तो आना चाहिए माइनस के कैप। यहां देखो कौन से ऑप्शन में माइनस के कैप है, इस वाले में है और एक इस वाले में, ध्यान से बाहर माइनस ले रखा है। अब बाकी दो दो गलत हो चुके हैं, अब आपको देखना है ये जो पार्ट है सेमी सर्कुलर उसके कारण कहां आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सेमी सर्कुलर करंट आपको करना क्या होता है, इसमें करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लेके जाना होता है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को लेके जाओगे तो आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो यहां करंट इस तरफ जा रही है, ऐसे घुमा दिया, थंब आया अंदर की तरफ, ये थी आपकी एक्स एक्सिस बाहर की तरफ, देखो ध्यान से, बाहर की तरफ आपकी एक्स एक्सिस है, तो अंदर की तरफ इस तरह से अपने हाथ कर्ल किया था ना, फिंगर्स को कर्ल किया, थंब आया अंदर की तरफ, तो थंब जब अंदर की तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा माइनस आई कैप होगा, और दोनों माइनस इसी ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आपको लगता है सर एक वायर और छोड़ दिया, उसको भी देख लो, एक वायर यहां से आया सेमी सर्कुलर पार्ट और फिर वायर वापस गया, जो वायर वापस जा रहा है करंट कैरी वायर, करंट को लेते हुए आप यहां से कर लो, करंट के साथ थंब रखो, फिंगर्स कर्ल करो, ओ पॉइंट यहां पर है नीचे की तरफ, राइट, इसके कारण नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नीचे मतलब अगेन माइनस के कैप, और माइनस के कैप तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है, तो इन दोनों स्ट्रेट वायर्स के कारण तो आ गया माइनस के कैप, और सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण आ गया माइनस आई कैप, एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2016 में आया हुआ है, आइए देखते हैं, किसी लंबे तार से अपरिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार को एक फेरे के वृत्ताकार पाश या लूप में मोड़ने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B प्राप्त होता है। अगर इसी तार को स्मॉल n फेरों की कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब इसी तार को n फेरों की कुंडली बना दो तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। इंग्लिश देखते हैं, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज कैपिटल B, इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर coil of n turns, the magnetic field at the center of this coil of n turns will be,
तो आप सबसे पहले देखिए, ये आपने बनाया एक टन का करंट कैरिंग वायर, राइट, जिसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है और करंट है आपकी आई। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है, रेडियस अपन आर मान लेता है। अब वो बोला कि इसी वायर को आप थोड़े छोटे लूप्स में कन्वर्ट करो और बहुत सारे लूप्स में कन्वर्ट कर दो, कितने एन, लाइक दिस। अब स्मॉल एन की वैल्यू नहीं मालूम, दो है, तीन है, चार है, आई डोंट नो, बट सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट वही है आई, तो उसको मैं बी सी डैश बोल देता हूं। ये तो हो गया बी एट सी और ये हो गया बी सी डैश। अच्छा, तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन बोला है उसने, आई करंट हो गया अपॉन टू, इस बार रेडियस आप देख सकते हो स्मॉल आर लिख देता हूं मैं, ठीक है, दोनों की रेडियस चेंज हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स पे आ गए। अब दोनों की लेंथ में जो रिलेशन है वो तो सेम ही है, लेंथ तो आपकी सेम ही है, तो फिर चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है रेडियस। बताओ यहां पर रेडियस कितनी है, आर, तो इसकी पेरिफेरी, दैट मीन उसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, टू पाई आर, और यहां वृत्त की परिधि कितनी है, एक वृत्त की परिधि है टू पाई स्मॉल आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सिंगल लूप, ऐसे कितने लूप हैं, स्मॉल एन। तो क्या आप स्मॉल आर को कैपिटल आर की टर्म्स में लिख सकते हैं, यस, तो स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन एन, लेट्स सी, टू पाई से टू पाई कट जाएगा और इस स्मॉल आर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो आपका बी सी डैश आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर अपॉन एन। जबकि म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ध्यान से देखिए, ये बीसी था, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर क्या था, बीसी, तो यदि मैं म्यू नॉट आई अपॉन टू आर को बीसी लिख देता हूं तो एन और एन मल्टीप्लाई होकर जाएंगे एन स्क्वायर, मतलब जैसे ही आप किसी एक लूप को एन टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स वाले लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। इसको एज अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट मानते हुए याद ही कर लो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2021 में आया है, कुछ इसी टाइप का है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर रिलेटेड है, आइए पढ़ते हैं। एक 12A लंबाई तथा प्रतिरोध R का एक समान चालकीय तार, पहला A भुजा के समबाहु त्रिभुज तथा दूसरा ए भुजा के वर्ग के आकार की धारावाही कुंडली में मोड़ा जाता है, प्रत्येक कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः है, ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज वाउंड अप अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ शेप ऑफ नंबर वन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड नंबर सेकेंड अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। The magnetic moment, dipole moments of the coils in each case respectively are. तो आप देख दो कि भाई 12A लंबाई का तार है, आपने सबसे पहले तो इसमें बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो सॉल्व करते हैं, साइड उसकी A ली है उसने, यदि A साइड ली है तो ये पूरी सर्कमफेरेंस या परिधि कितनी हो गई 3A, है कितना यहां पर 12A, 12A में 3A डिवाइड करोगे तो आएगा 4, मतलब ऐसे आप 4 लूप बना सकते हो, 2, 3 और 4, राइट, तो ये हो गया 4, 4 एन की वैल्यूज हो गई, ठीक है। आपको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, एन आई ए नंबर ऑफ टर्न्स आई इंटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स यहां कितने आए 4, करंट आपको दे रखी है उसी करंट की टर्म्स में आंसर दे रखा है तो आई लिख दीजिए, एरिया बताइए आपको राइट एंगल ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना होता है, हाफ बेस, बेस ए मान लो और हाइट, हाइट ये यहां पर हो जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में माध्यिका, उसकी लंबाई होती है √3a/2, इस तरह से ये हो गया एरिया। तो देखो ध्यान से आई इंटू ए स्क्वायर तो आपका कहां जाएगा कॉमन, सारे ऑप्शन में आई इंटू ए स्क्वायर आ ही रहा है, दो दूनी का 4 से 4 कट गया, √3 बच जाएगा, तो √3i इंटू ए स्क्वायर, केवल एक ऑप्शन में बच्चा लोग, ओनली वन ऑप्शन, तो हम ये सॉल्व कर देंगे ना
दूसरा तो होता क्या है कि दूसरा बच्चे करने बैठ जाते हैं, बट ध्यान से ऑप्शंस तो पढ़ लो यार, जब एक ऑप्शन आ गया है तो अगला तो ये हो ही जाएगा ना, एक ही ऑप्शन है, तो देखने में तो बड़ा सारा क्वेश्चन लगा बट है बहुत इजी, फॉर्मूला है NIA, ठीक है। चलो नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, और कौन बोलता है कि इस चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी भी आती है, वो आपको चेक करना चाहता है क्या आपको नॉलेज है थ्योरी की। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन वन, बायो सावर्ट का नियम केवल हमें किसी धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव आईडीएल के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता या स्ट्रेंथ का व्यंजक प्रदान करता है। सही लग रहा है। कथन दो भी पढ़ लेते हैं। बायो सावर्ट नियम आवेश क्यू के कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुरूप है। हाँ, इसमें भी आईडीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर ही आता है, वहां पर भी के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दोनों में नीचे ही आते हैं। जिसमें पहला एक अदिश स्रोत आईडीएल, आईडीएल अदिश स्रोत होता है, आईडीएल वेक्टर होता है, ये अदिश नहीं सदिश होता है, मुझे तो ये गलत लग रहा है इसे, आईडीएल द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बाद वाला सदिश स्रोत, भैया क्यू तो क्या है आपका, अदिश स्रोत है, इसको सदिश बोल रहा है, गलत हो गया, सदिश स्रोत क्यू द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है। कथन चुनने हैं राइट या रॉन्ग, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। स्टेटमेंट वन इज राइट, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, क्योंकि आईडीएल आपका अदिश स्रोत नहीं सदिश स्रोत है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वन, बायो सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इंफिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आईडीएल ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, बिल्कुल आइडियल वेक्टर के कारण हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उसका एक्सप्रेशन बायो सावर्ट ने दिया था। स्टेटमेंट टू, बायो सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलाम्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल, ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स व्हाइल द आइडियल व्हाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स क्यू। तो भैया जो क्यू है वो वेक्टर सोर्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज देयर, ठीक है। चलो रीनीट के अंदर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, आइए देखते हैं कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार धारावाही घेरे जिसमें आई बराबर रूट टू ए की धारा प्रवाहित है के अक्ष पर घेरे के केंद्र से एक मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट आई इक्वल्स टू रूट टू ए, ए मतलब एम्पियर, एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज गिवन बाय। बच्चा लोग सीधा फॉर्मूला है यदि आपको याद हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस सेंटर करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चा लोग, बी एट पी म्यू नॉट एन आई, यहां तो ये जो रेडियस है और ये स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर, तो स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2 और नीचे 2 आता है, ठीक है। सीधा वैल्यू पुट कर दो, चलो बी एट पी म्यू नॉट 4π × 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स है कुछ नहीं, एक करंट कैरिंग यस रूट टू, आर रेडियस यस 100 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 1 आ जाएगा, स्क्वायर करते ही 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे आएगा 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक रेडियस तो आपकी हो गई 1 और डिस्टेंस भी हो गया, तो आर की वैल्यू 1 दे रखी है, स्मॉल आर की वैल्यू भी 1 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगी पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, 2 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 से 4 कट जाएगा, पाई इंटू 10 की पावर -7, 3.14 × 10⁻⁷ टेस्ला, सीधा आंसर। फॉर्मुला याद करो, फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। चलो एक और क्वेश्चन रीनीट में आया हुआ, 1000 फेरो वाली
अच्छी तरह से कसी हुई एक कुंडली की औसत त्रिज्या 62.8 सेंटीमीटर है। यदि कुंडली के तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें और आप मुक्त आकाश की चुंबकशीलता आपको दे रखी है। अ क्लोजली पैक्ड कॉइल हैविंग 1000 टन्स हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 62.8 सेंटीमीटर। इफ करंट कैरिंग बाय द वायर ऑफ द कॉइल इज 1 एम्पियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी वेयर द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज गिवन। नाउ अब बात करते हैं क्लोजली पैक्ड कसी हुई, व्हाट इज द मीनिंग भैया, सर्कुलरी मान लो इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है, सर्कुलर कॉइल ही माननी है, सोलेनोइड नहीं माननी है। तो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000, करंट इज 1 एम्पियर अपॉन 2R, R इज 62.8। बस ध्यान रखो इसको आप पाई में कन्वर्ट कर दो, पाई होता है 3.14 और ये हो गया 62.8, तो 3.14 का ट्वाइस होता है 6.28, उसमें एक जीरो लगा दो, मतलब ये हो गया पाई का 2 टाइम्स और उसमें एक जीरो और, दैट मीन 20 पाई। तो इसको आप 20 पाई लिखो और ध्यान से ये सेंटीमीटर में भी है, तो 20π/100 कर दो, इतना कन्वर्ट करना सीखो। तो बच्चा लोग पाई से पाई गया, 4 से आपका 20 गया 5, ठीक है, और 5 दूनी का 10, 10 से एक जीरो कट गई, 10 ऊपर गया, ये हो गया 10,000, 4 जीरो 10⁻³, ठीक, इजी सिंपल कैलकुलेशन, फॉर्मूला आपके सामने है। बहुत बार क्वेश्चन इस फॉर्मूले में रिपीट हो रहा है तो इस फॉर्मूले को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नीट 2019। अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा कि क्यों मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन रिपीट होता है, क्यों हम सीएलसी वाले हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि बेटा पीवाईक्यूज कर लो, तुम्हारे भविष्य की बात कर रहे हैं। आओ इसका प्रूफ मैं देता हूं। और अभी कल परसों एक डाउट पे बच्चा भी आया था, वो पूछ भी रहा था कि सर क्वेश्चन रिपीट थोड़ा ना होते हैं। 2019, 2021 और 2022, पिछले 4 साल में, 2023 को छोड़ दो, पिछले 4 साल में 3 बार आया ये क्वेश्चन। हद होती है एक चीज की रिपीट होने की, बट ये क्या चाहते हैं भैया, तुम्हें आता है कि नहीं आता है? इतना नीट वाले चाह रहे हैं कि भैया चेक कर लेते हैं, बच्चे को ग्राफ मालूम है नहीं। त्रिज्या आर के किसी बेलनाकार चालक से कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बी के परिमाण तथा चालक के केंद्र से दूरी स्मॉल डी के बीच में ग्राफ का सही निरूपण निम्नलिखित में से किस आरेख के बीच में होगा। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज कैरिंग अ कॉन्स्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंट बाय द फिगर। तो आपको फिगर ढूंढना है, फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया आपका कंडक्टिंग वायर, ये हो गई इसकी रेडियस, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है, और यहां से ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है। यदि स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है तो याद करो हमने क्लासेस में ग्राफ बनाए हैं स्मॉल आर वर्सेस डी, उसने स्मॉल डी बोला है, हमने स्मॉल आर ले रखा है, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होती है तब तक ये ग्राफ चलता है स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही ये पी पॉइंट इस सरफेस से बाहर आ जाता है तो ग्राफ हो जाता है डिक्रीजिंग। इसके फॉर्मूले भी लिख लेते हैं, यहां कैपिटल आर लिखेंगे तो जैसे ही ये होता है इनसाइड का फॉर्मूला बी इनसाइड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2π r² × r। तो b जो होता है वो स्मॉल r के प्रोपोर्शनल होता है इनसाइड में, और आउटसाइड में जो होता है वो होता है फॉर्मूला b म्यू नॉट आई अपॉन 2π r। आपने डेरिवेशन किए होंगे, तो b नॉट और r के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आउटसाइड में, और इनसाइड में होता है b इनसाइड में r के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो r के प्रोपोर्शनल,
और फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। पहले तो बी प्रोपोर्शनल आर के और फिर जैसे आउटसाइड पहुंचेंगे तो वन अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन देखो, आपको वापस से 2021 में आया, नाइन्थ नंबर का मैंने रखा हुआ, जमा के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आर एक आर त्रिज्या की मोटी धारावाही केबल में धारा आई, अब मोटी केबल हो गया और वो जो सिलेंड्रिकल वायर हो गया, बात तो एक ही है, इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी आर का परिवर्तन केबल की अक्ष से दूरी स्मॉल आर दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो अभी ग्राफ ढूंढना है इसमें से, वापस देख लो। अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो कौन सा ग्राफ होगा? पहले तो इनसाइड हो जाएगा आपके आर के प्रोपोर्शनल और आउटसाइड हो जाएगा आपका आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड ऑप्शन इज देयर। और फिर देखो 2022 में इसी क्वेश्चन को उसने थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार सॉरी वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी लंबे सीधे तार जिसमें एक स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है, ठीक है। अब ऑप्शन दे रखे हैं, उससे पहले थोड़ा इंग्लिश देखते हैं। फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड द आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज, ठीक है। तो अभी अभी हमने ग्राफ जो पढ़ा था वो ग्राफ क्या आया था एक बार आप दिखा दूं, फिर रिपीट हो सकता है, ये मत सोचना सर इतनी बार आ गया तो अब नहीं आएगा। पहले स्ट्रेट लाइन कहां तक? सरफेस तक, कैपिटल आर तक, उसके बाद डिक्रीजिंग इंफिनिटी तक। तो बी इनसाइड तो आर के प्रोपोर्शनल, बी आउटसाइड वन अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑप्शंस देखें, तार की सीमा तक दूरी के फलन के रूप में सरल रेखीय रूप से बढ़ता है, ये ठीक लग रहा है। इसके बाद बाहरी क्षेत्र में सरल रेखीय रूप से घटता है, सरल रेखीय रूप से घटता है, लीनियरली डिक्रीज गलत। तार की सीमा तक दूरी आर के फलन के रूप में सरल रेखीय रूप से बढ़ता है, यह सही है, मतलब लीनियरली इंक्रीज। इसके बाद बाहरी क्षेत्र में वन अपॉन आर निर्भरता के साथ घटता है, बिल्कुल सही। बाकी भी देख लेते हैं गलत कैसे है। तार की सीमा तक फलन सरल रेखीय रूप से घटता है गलत हो गया, एक समान दोनों क्षेत्रों में गलत। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक बार मैं आपको इंग्लिश में पढ़ देता हूं, अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, सही है, अंदर अंदर तक, और उसके बाद जैसे ही भाग लगा डिक्रीजिंग वन विथ वन अपॉन आर डिपेंडेंस ऑफ द फॉर द आउटसाइड रीजन, ठीक है, जिसका मैंने ग्राफ आपको बता रखा है। बाहर जाते डिक्रीज होता है, अंदर तरफ सेंटर से दूर जाए तो इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ रीनीड 2022 में आया हुआ प्रश्न देखते हैं, किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति होगी। द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू एन इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज, तो भाई लोग 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ हमने कहा था कि करंट कैरिंग वायर की करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स का कर्लनेस आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये आई करंट, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पेज पर एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व एग्जांपल से ऊपर, ठीक, और उसमें इस तरह से और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दे रखी हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग के लिए दे रखा है, बट फिलहाल इसको आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए माने तो केवल सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? सर्कुलर होंगी, और यदि करंट कैरिंग वायर सर्कुलर हो, करंट कैरिंग वायर सर्कुलर हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पर तो स्ट्रेट, ठीक है, और बाकी फिर ऐसा घूमता हुआ होगा। मैं दोनों को एक बार और रीड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट नहीं होना चाहिए। यदि वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर, और यदि सर्कुलर, जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यदि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है
तो स्ट्रेट बीच में तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड और साइड में घूमता हुआ इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर धारावाही चालक बिल्कुल सीधा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सर्कुलर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2016 में आया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। 3.57 × 10⁻²⁻² टेस्ला तीव्रता के अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन गति कर रहा है। यदि E by M का मान 1.76 × 10⁻¹১ कूलाम पर केजी हो तो इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण की आवृत्ति होगी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.57 × 10⁻²⁻ टेस्ला इफ द वैल्यू ऑफ E by M इज 1.76 × 10⁻¹ कूलाम पर केजी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, वो होता है qB/2πm, ठीक है। यहां जो है फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, चार्ज आप इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। वैसे तो आपको E/M का मान दे ही रखा है, ये तो और भी इजी हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको वापस सॉल्व करते हैं, यहां से सीधा देखो आप Q की जगह पहले तो E रखो, M आपका ये रहा साइड में कर दो, B आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और 2π का डिवाइड कर दो। तो E/M को बोलते हैं अपन चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, और ये आपको दे रखा है E/M। मैं वापस देता हूं फॉर्मूला, और B/2π, बस ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। E/M की वैल्यू दे रखी है 1.76 × 10⁻¹১, चेक करो, यस 10⁻¹। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 3.57 × 10⁻², 3.57 × 10⁻², और अपॉन में केवल 2π डिवाइड कर दो, 2 × π 3.14। अब देखो इसको अप्रोक्स करना सीखो, मैंने लगभग इसको काट दिया, लगभग ठीक है, और 2 को इसको हाफ कर दिया, 0.8 something या 0.9 something मान लो। 10⁻¹ और -2 का डिफरेंस लोगे तो लगभग आ गया ये 10⁻¹, तो लगभग ये 0.9 something और ये आ गया। इसको आप बोल सकते हो गीगा, और यूनिट आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो गीगा हर्ज तो यहां से हो गया। क्या गीगा हर्ज में ऑप्शन है? गीगा हर्ज में है, एक ही ऑप्शन है। और 0.9 को अप्रोक्स 1 कर लो यार, इतना क्लोज भी तू ना, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। 1 गीगा हर्ज के आसपास एक ही ऑप्शन है, बाकी 100 है, बहुत कम कम ऑप्शन है। 1000 MHz मिलकर 1 GHz होता है, 1000 MHz, क्या और कोई ऑप्शन 1000 के आसपास है? नहीं, या 900 के आसपास है? नहीं, तो एक ही तो बचा। इसलिए कैलकुलेशन की तरफ मत भागना बच्चा, अप्रोक्स कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने ही है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2019 में आया हुआ है। आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कण समान संवेग से किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में लंबवत प्रवेश करते हैं, इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात RH/Rα होगा। आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स विथ सेम मोमेंटम एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स RH/Rα विल बी। तो बच्चा लोग ध्यान रखो कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो R का जो सूत्र होता है वो होता है MV/qB। MV यहां मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग / qB। अब आप देख सकते हो कि उसने बोला है कि मोमेंटम तो सेम है, तो मोमेंटम सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की दोनों एक ही चुंबक के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं हमारे कण, तो आपका जो रेडियस है वो आवेश के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यदि आप RH/Rα का अनुपात निकालना चाहते हैं तो आवेशों के अनुपात, हाइड्रोजन पर आवेश होगा स्मॉल e और अल्फा पर होगा 2e, अनुपात आ जाएगा 2:1, तो रेडियस इसका रेशो आएगा 2:1। बोलो कैसा लगा? इजी, केवल सिंपल एक फॉर्मूले पर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नीट 2021 में आया हुआ एक प्रश्न है, पढ़ते हैं। गुणनफल एफ वेक्टर बराबर क्यू वी क्रॉस बी इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप में क्यू बराबर एक तथा वी वेक्टर बराबर टू आई कैप फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप और ऐसी एफ भी दे रखा है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप के लिए b वेक्टर का संपूर्ण व्यंजक क्या होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो है ना bx by और bz कर लेंगे इसको, है ना, ऐसा लिखा हुआ था। इंग्लिश देखते हैं, इन द प्रोडक्ट f वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस b, क्यू वी तो हमने बाहर निकाल लिया, क्रॉस में कर लिया हमने b वेक्टर और ये हो गया bx i कैप by j कैप और bz k कैप। फॉर q इक्वल्स टू 1 आवेश का मान उसने एक ले रखा है, V और F के मान दे रखे हैं और पूछा क्या है कि what will be the complete expression of for B vector? B vector का complete expression बताओ। तो as you know कि F vector बराबर है Q V vector cross B vector। ठीक है बच्चों, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि cross product का जो output होता है वो हमेशा लंबवत होता है जिन वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एफ वेक्टर वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। यदि ये प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, वी आपको दे रखा है, एफ दे रखा है, बी निकालोगे कैसे इस फंक्शन से। भाई आपको वी और बी दे रखे हो तो एफ निकाल लेते गुणा करके, बट आपको वी आपको दे रखा है, F दे रखा है और B पूछा है, तो सिंपल सा है कि F और V आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप चाहो तो दोनों को डॉट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। इवन दो F और B भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन है F वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू होना चाहिए जीरो। क्या आपको F दे रखा है? यस, F आपको दे रखा है, ये रहा, अच्छे से देखो, ये पूरा F दे रखा है, 4 माइनस 20 प्लस 12, 4 कॉमा माइनस 20 प्लस 12, आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाता हूं मैं, बट आप लगा लेना, ठीक है। डॉट किससे करना है? B वेक्टर। अब B वेक्टर के चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कोई ना कोई एक तो सही होगा। स्पीडली आप इनके कोफिशियंट्स उठाओ और डॉट कर दो एफ के साथ, जो जीरो दे दे तुरंत वही आंसर। जैसे मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूं, माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस एट, माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस एट, डॉट करते हैं, डॉट में आपको मालूम है आई कैप का कोफिशियंट आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से, आई आई को डॉट करो तो 6 × 4 माइनस 24, माइनस 20 × 6 प्लस 120, 12 × 8 माइनस 96, आपको जीरो मिल गया। लो, पहले ऑप्शन में मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप चाहो तो कोई भी तीनों में से, बाकी जो तीन है उनका डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ करके देख लो, नहीं आएगा। आप चाहो तो मैं फोर्थ ऑप्शन करके दिखा देता हूं, 8 को 4 से गुणा करो, एफ और बी को क्रॉस कर सॉरी डॉट करना है ना लंबवत या परपेंडिकुलर चेक करने के लिए, तो आई कैप का कोफिशियंट आई कैप से, 8 × 4 = 32 माइनस में आ जाएगा, फिर 8 × 20 160 माइनस में, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस आप प्लस कर दोगे तो जाएगा 160 और 8 × 4 = 32 ये जाएगा -192 और 12 × 6 करोगे ये भी माइनस में ही आ जाएगा। तो तीनों माइनस जुड़ के जीरो कैसे हो सकते हैं? गलत। बाकी दो भी ऑप्शन इस प्रकार से चेक कर सकते हो। ये तो मेरा लक है कि पहला ऑप्शन ही मेरा डॉट में सही आ गया, जीरो दे रहा है, और एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा होगा, बाकी 2, 3, 4 नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीट 2013 में आया हुआ है, आओ पहले पढ़ लेते हैं। जब किसी कमरे में एक प्रोटोन को विराम अवस्था से मुक्त किया जाता है तो यह प्रारंभिक त्वरण ए नॉट से पश्चिम दिशा की ओर जाता है, यदि इसे v नॉट वेग से उत्तर दिशा की ओर प्रेषित किया जाए तो यह प्रारंभिक त्वरण 3a नॉट से
पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो इस कमरे में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है। तो पढ़ने से मालूम पड़ रहा है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, दोनों निकालने। इंग्लिश में देख लेते हैं। When a proton is released from rest in a room, it starts with an acceleration a naught towards west. When it is projected towards north with a speed v naught, it moves with an initial acceleration 3 a naught towards west. The electric and magnetic fields in the room are. तो अब 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये लो, ये तो हो रही मेरी x एक्सिस, ये रही मेरी y एक्सिस, और ये रही ऊपर मेरी z एक्सिस। ठीक है, मैं इसको ईस्ट मान लेता हूं, इसको वेस्ट मान लेता हूं, इधर इसको नॉर्थ मान लेता हूं, और इधर इसको साउथ मान लेता हूं। ठीक है, टेबल है ना, टेबल ध्यान रखना, मैंने टेबल का कॉन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। ये टेबल है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकली अप और ये वर्टिकली डाउन। ठीक है, ये जेड और नीचे की तरफ डॉटेड से माइनस जेड, तीन एक्सिस हो गई, एक्स हो गई, माइनस एक्स हो गई, वाई हो गई, माइनस वाई हो गई, जेड और माइनस जेड, अपवर्ड डाउनवर्ड। अब इस चार्ज को मैं ओरिजिन से ही छोड़ देता हूं। यदि इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो ये उसने बोला है कि वेस्ट में भाग जाएगा, और उसने दिया एक्सेलरेशन ए नॉट से भाग जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आती है, यदि आप रखे हुए चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हो तो कहां भागेगा, ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागेगा। तो और ये धनात्मक और है, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, उसने पहले ही बोल दिया है प्रोटोन, तो आवेश जो है धनात्मक है, तो तुरंत बताइए मास से मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स बन जाएगा एक्सेलरेशन को एम ए नॉट, एम ए नॉट बराबर क्यू इंटू ई। क्यू जिसको बोलते हैं, क्यू यहां पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका परिमाण ले लो, क्योंकि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण समान होता है। तो उसने पूछा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई निकालेंगे, मास इलेक्ट्रॉन का ही मान लो, सॉरी प्रोटोन का, और ए नॉट आपको दे रखा है, ई का डिवाइड कर दीजिए, तो एम ए नॉट अपॉन ई इज द आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी बेस्ट में। ठीक है, ऐसे मेरे पास दो ऑप्शन है, सॉरी एक ही ऑप्शन है, सॉरी दो ऑप्शन, तो दो तो गलत हो गए आपके, ईस्ट वाले वेस्ट में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से चूज करने, ऑब्वियस एक तो चूज करना ही है, तो उसके लिए हमको अब मैग्नेटिक फील्ड भी चेक करना पड़ेगा। उसने कहा है कि आपने उत्तर दिशा में वी नॉट वेग से फेंकने पर क्या होता है, तो आओ चेक कर लेते हैं, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं, है ना, सही रहेगा ना, कलर चेंज करते हैं, ओके ग्रीन ले लेते हैं। यहां से यदि आप इसको वी नॉट वेग से फेंकोगे उत्तर दिशा में, ठीक है, तो ये कहां जा रहा है, एक बार और पढ़ लेते हैं, पैरामीटर पश्चिम में ही जा रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है पश्चिम में 3 a नॉट। तो देखो यदि आप इसको केवल रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उत्तर दिशा में ही है, अभी हमने कहा जहां फोर्स वहीं त्वरण, जहां एक्सेलरेशन वहीं फोर्स, क्योंकि यहां चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो ही गया था। अब बात है मैग्नेटिक फील्ड की, तो भैया फोर्स लग रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी इधर लगेगा। अब वो कब लगेगा, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है वेलोसिटी पर डिपेंडेंट, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वेलोसिटी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, हम वी क्रॉस बी ऐसे चेक करते हैं ना, वेलोसिटी की तरफ अपना हाथ ले जाओ, राइट, आपका थंब आना चाहिए उस तरफ फोर्स के लिए, वो तभी आ पाएगा जब आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी नीचे की तरफ, अर्थात चुंबक की क्षेत्र कहां है, नीचे की तरफ। देख लो आप, V क्रॉस B करने पर इधर ही आएगा। ठीक है, तो फोर्स उधर आएगा क्योंकि आवेश धनात्मक है, चार्ज इज पॉजिटिव, तो फोर्स उस तरफ आएगा, एक्सेलरेशन आपको दे ही रखा है। तो पहले चेक कर लेते हैं दिशा में, क्या दिशा में मैग्नेटिक फील्ड एक ही ऑप्शन में दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है अप और इसमें लिखा हुआ डाउन, तो हमारा तो भैया डाउन आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए कि नेट फोर्स जो है वो 3a नॉट एक्सेलरेशन दे रहा है, तो 3 मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा नेट फोर्स। यहां फोर्स में दो चीजें होंगी, एक तो होगा क्यू इंटू ई
और एक होगा QVB, सॉरी प्लस आएगा ना, QVB, राइट, और वो भी होगा QVB साइन थीटा, और साइन थीटा जा रहा है यहां पर 90, क्यों, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, ये है एंगल 90। तो अभी अभी आपने QE का मान निकाला था जो कि था MA0, या जैसे ही MA0 रखोगे तो 3 MA0 में से 1 MA0 कट जाएगा और क्या बचेगा, 2 MA0। आपको यदि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो Q और V का डिवाइड कर दो, Q यहां पर प्रोटॉन पर चार्ज और ये लो V0। क्या है ऐसा ऑप्शन, यस। अब आपको तो डायरेक्शन से आंसर मिल गया था, इस तरह से बोलते हैं कि आप ऑप्शंस हटाते जाओ, दो बचेंगे, जैसे आप आया तो एक और कट कर दो, सही आंसर 4th। तो डायरेक्शन से चेक कर सकते हो, ठीक है, अच्छा लगा। मैंने कोशिश की है कि इसको 3D में समझाऊं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में, ये ईस्ट रहा, ये नॉर्थ उधर की तरफ, अंदर तरफ मान लो बोर्ड के अंदर, तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे बताया है मैंने, ठीक है। चलो बच्चा लोग, हम भी क्लास में पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट बता सके, 3D में बता सके, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि आप देख रहे हैं और CLC के स्टूडेंट नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी आप चाहो तो ज्वाइन कर लो हमारे CLC के ऑफलाइन बैचेस। ये हो गया मेरा प्रमोशन, आगे बढ़ते हैं। नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, इससे केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेक्स n रिवोल्यूशन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, वापस से हम रेड कलर पे ही चलते हैं, दूर से साफ साफ दिखता है इससे। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है ना उस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेंटर पर आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। यदि यहां करंट कैरिंग कोई वायर होता तो हमारा जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता वो आता μ0 I/2R आता। चलो अब बात है कि यहां पर आई क्या है, एक तो चार्ज है वही पूरे सर्किल में घूम रहा है, तो ये हो जाएगा μ0, यहां लिख देता हूं मैं, μ0 I हो जाएगा अपना चार्ज अपॉन टाइम, कि भाई एक टाइम ड्यूरेशन में या एक आवर्तकाल या एक टाइम पीरियड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक रिवोल्यूशन लेता है, तो आवेश बटे समय, चार्ज अपॉन टाइम इज द करंट, यू कैन से, राइट। और नीचे जो रेडियस है वो आपकी स्मॉल r दे रखी है। अब 1/T होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को यहां स्मॉल n बोला गया है, तो μ0 × E × n और नीचे जाएगा 2R। देखो कोई ऑप्शन है क्या, यस फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, ओके। तो ये लो, ये हो गया क्वेश्चन, इजी लगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2020 में आया हुआ प्रश्न, देखो बहुत इजी है। 50 सेंटीमीटर लंबी किसी प्रणाली का जिसमें 100 फेरे हैं से 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रणाली का के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, उससे पहले थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज। तो सोलेनोइड के सेंटर पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो बच्चा लोग फॉर्मूला होता है μ0 Ni, ठीक है। यहां μ0 है 4π × 10⁻⁷, और स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, अर्थात प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। तो घेरे तो अपने पास 100 हो गए, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ हो गई आपकी 50 सेंटीमीटर, इसको 1/2 मीटर भी तो लिख सकते हैं, सारा काम ऐसे ही सिस्टम में करना है, इनटू करंट आपकी हो गई 2.5, तो 2 जाएगा ऊपर, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 π× 10⁻⁷, और 100 भी है। चलो
तो 2 पाई तो अलग से रख लो, 6.28 आ रहा है दो ऑप्शंस में, एक जीरो ये रही, दो जीरो ये रही, तीन जीरो पॉइंट में आएगी, माइनस 7 इधर से है तो माइनस 7 और प्लस तो जाएगा 10 के पावर माइनस 4, थर्ड ऑप्शन इज देयर। ठीक है, इजी लगा, तो ये आ गया 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4, और 2 पाई अपन ने सॉल्व कर लिया 6.28। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, नीट 2022 में आया, तुम खुद देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो इधर आया था 20 में, दो साल बाद एक बार और क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1 mm त्रिज्या वाली किसी लंबी प्रणालिका में प्रति मिलीमीटर 100 फेरे हैं, यदि प्रणालिका के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मान ज्ञात करना है। अलॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर इज 1 mm, हैज 100 टन्स पर mm, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनोइड द मैंटिफिल स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज, तो बच्चा लोग अभी भी बताया मैंने, बी इक्वल टू फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स आपके हैं 100, पर यूनिट लेंथ, लेंथ आपको दिए 1 mm तो 10 की पावर माइनस 3, करंट दिया आपको 1 तो म्यू नॉट एन आई, 10 की पावर माइनस 3 जाएगा ऊपर, प्लस 5 यहां से हो गया, माइनस 7 यहां से है, माइनस 2 बचेगा और 4 पाई आपका हो जाएगा 12.56, 12.56 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इजी लगा, रिपीट होते ना क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं, सीएलसी की बात मानो, लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। चलिए नीट 2018 में आया हुआ एक और प्रश्न देखते हैं, 0.5 केजी प्रति मीटर प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान की किसी धातु की क्षैतिज छड़ को एक चिकने आनक तल पर जो कि 36 से 30 डिग्री के कोण पर रखा है, इस छड़ को विद्युत धारा प्रवाहित कराकर नीचे सरकने नहीं दिया जाता है, जब इस पर 0.25 टेस्ला प्रेरण का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है तो छड़ को स्थिर रखने के लिए प्रवाहित धारा है। ठीक है, अ मेटलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 केजी पर मीटर इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड बाय द फ्लोइंग करंट थ्रू इट व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.25 टेस्ला एक्टिंग ऑन इट वर्टिकल डायरेक्शन, द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी इज। तो सबसे पहले बच्चा लोग मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा और वो भी 3D में आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक रॉड रखी हुई है, ओके, इसमें करंट यहां कहीं से आई, यहां फ्लो हुई और यहां कहीं चली गई, राइट। अब इस पर फिसलने नहीं देना है इस रॉड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया गया है। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में इस प्रकार लगाओ सो दैट, क्योंकि देखो इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा, mg का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा, mg का sin थीटा तो इसको नीचे लाने का कोशिश करेगा और mg का cos थीटा यहां कहीं लगेगा, जिसको नॉर्मल अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां एक फोर्स और है, मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मान लेता हूं, क्योंकि उसने दिशा तो दी नहीं है, नीचे या ऊपर, तो मैं अभी ऊपर की तरफ मान लेता हूं, उससे क्या होगा, IL×B, इस फॉर्मूले से आपका फोर्स आएगा, तो L×B, L वेक्टर होता है आई के साथ, आई इधर से आई इधर जा रही है तो आई तो इधर हो गई, राइट, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर की तरफ L×B, तो आपका जो फोर्स आएगा वो हॉरिजॉन्टली आएगा बाहर की तरफ, वो जो बाहर की तरफ आएगा हॉरिजॉन्टली,
ठीक है, उसका फिर एक और कंपोनेंट नीचे की तरफ आपका फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स मिलकर नीचे ले जाएंगे, हमको रोकना है। तो मैं जानबूझकर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की जगह कहां लगा रहा हूं, नीचे। अब बताइए आई एल क्रॉस बी कहां आएगा, एल वेक्टर आई के साथ ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां कर्व करो, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आएगा अंदर की तरफ लाइक दिस, ये आएगा एफ एम, और उसका एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन पर, ये हो जाएगा एंगल थीटा। ध्यान से देखिए, ये स्लाइड हो रहा है राइट, ये वायर रखा हुआ है ऐसे मान लो, तो एक फोर्स आया इधर अंदर की तरफ, उसका एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स आएगा, ठीक है, तो एक कंपोनेंट आएगा, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा वो आएगा कॉस में, एफ कॉस थीटा, और एक आएगा ये फोर्स लग रहा है, एक तो इधर कंपोनेंट आएगा, एक आएगा आपका सामने इधर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, एफ एम का साइन थीटा। तो एफ एम का साइन और एमजी का कॉस दोनों को नॉर्मल बैलेंस कर देगा। अब यदि इस वायर को रोके रखना है तो एक फोर्स तो हो गया नीचे की तरफ और एक फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। तो देखो नीचे वाला फोर्स तो आप सब लोगों को मालूम है काइनेमेटिक्स से, mg sin थीटा, ऊपर का फोर्स है f cos थीटा, ठीक है cos है, और f कौन सा वाला मैग्नेटिक, तो मैं fm डाल देता हूं, cos का डिवाइड करो साइन में तो जाएगा एम जी टेन थीटा। एफ एम की वैल्यू मैंने बताया अभी आई एल बी साइन थीटा, जानबूझकर यहां पर वर्टिकली तो बोल दिया गया है, हमें एडजस्ट करना था कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि तो करंट की तो डायरेक्शन दी नहीं है, करंट इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इस तरफ होता मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, कुल मिलाकर हमें फोर्स अंदर की तरफ लाना है हॉरिजॉन्टली अंदर की तरफ, उसका एक कंपोनेंट एमजी को, एमजी के एक कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। तो यहां से एफएम का फॉर्मूला आएगा आई एल बी और साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आई की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, वैसे तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में होता है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मैं लिख रहा हूं ताकि बहुत सारे साइन में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सॉरी अब ILB को इक्वल कर दिया MG tan थीटा से। अब ध्यान दीजिए उसने I पूछा है, L डिवाइड करोगे तो M by L मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, एंगल भी दे रखा है उसने, देखना जरा एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री, और B डिवाइड कर दो मैग्नेटिक फील्ड, ये लो आंसर आ गया। अब I निकालने के लिए आओ थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एम बाई एल कितना दिया है 0.5, क्या मैं इसको 1/2 लिख दूं, जी की वैल्यू 10 30 हो गया 1/√3, और बी मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है देखो 0.25, इसको मैं लिखूंगा 1/4 ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके, 4 चल जाएगा ऊपर 4/2 जाएगा 2 2 into 10 20 20/√3। मैं तो देखो बच्चों को 1/√3 डेसिमल में याद करवा के छोड़ता हूं क्लासेस में, आप भी याद करो 1/√3 लगभग होता है 0.58 राइट, 0.57 भी मान लो, तो 0.57 या 0.58 से मल्टीप्लाई करोगे देख लो कितना आएगा, 0.6 भी मान लेते हो है ना, ये इक्वल टू है 0.6 भी मान लो, 6 into 2 12 12 13 12 11 point something आना चाहिए, देखना ऑप्शन में है क्या, यस 11 point something, तो ये लगभग 1/√3 की वैल्यू 0.5758 याद रखो, इससे आप सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। और ये क्वेश्चन के अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है कि mg का एक कंपोनेंट fm के एक कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, स्थैतिक साम्यावस्था में आ पाएगा। चलिए नीट 2021 में आए हुए एक और प्रश्न को देखते हैं, दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, चालक के समांतर एक इलेक्ट्रॉन 10^5 m/s की चाल से गति करता है, एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है जो कि चित्र में दिखाया हुआ है,
उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। इंग्लिश में एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर एट एन इंस्टेंट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। ये आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। करंट कैरिंग जो वायर है, यदि उसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहां है करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होगा, तो यहां एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डॉट आएगा बी वेक्टर, बी वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा 90। सिंपल सा फॉर्मूला, एफ एम का फॉर्मूला है, यदि कोई चार्ज मूविंग है तो क्यू वी क्रॉस बी होता है। चार्ज आपको दे रखा है क्या, एक बार देखो, चार्ज की वैल्यू दे रखी है क्या, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻¹⁹। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्योंकि यहां पे सारे मैग्नीट्यूड से, तो हमन क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वैक्टर एंड बी वैक्टर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो आ जाएगा यहां पर। तो वी कितना है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी देखिए 10^5 10⁻¹⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, अब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण जो बेटा होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2π r, स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण। बस इसका फॉर्मूला याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जाएगा एंगल यहां पर 90, तो जाएगा साइन 90। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 × 10⁵ कर लो तो यहां -14 आ गया। म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻¹⁷। करंट कितना है एक बार चेक करें, करंट कितना है 5 एम्पियर। ओके, तो ये लो 5 एम्पियर रख दो, साइन 90 हो जाएगा आपका 1। नीचे आएगा 2π r, तो ये लो 2π आ गया, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखो 1/5, ठीक है। अब देखो 2π से ये गया 2 टाइम्स, राइट, और 5 गया ऊपर 25, 25 × 2 हो जाएगा 50, 50 को लिख सकते हैं 100/2। 10⁻¹⁷ और -14 हो गया -21, ये हो गया जैसे 1.6। तो 1.6 का आधा करोगे तो 0.8, यहां से आएगा 10⁻¹⁹, 0.8 को आप यदि 8 लिख दोगे तो 8 × 10⁻²⁰। देखना है क्या ऑप्शन में, 8 × 10⁻²⁰, यस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन इज देयर। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, क्यू वी बी से डिपेंडेंट क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर एक फॉर्मूला है, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी आ गया जो कि है करंट कैरिंग वायर इनफिनिट लॉन्ग। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नीट 2016 में आया हुआ प्रश्न, 21वां, आओ पढ़ते हैं। कोई वर्गाकार पाश लूप जिससे धारा आई प्रवाहित हो रही है, किसी लंबे सीधे चालक एक्स वाई जिससे धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रही है के निकट के तल में रखा हुआ है, इस पाश पर लगने वाला परिणामी बल होगा। अ स्क्वायर लूप एबीसीडी कैरिंग अ करंट स्मॉल आई इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग अ करंट कैपिटल आई। द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, नेट फोर्स कितना होगा। तो बच्चा लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको बताता हूं, यहां ये तो लिखा हुआ है आई, और यहां है ये वाली डायरेक्शन स्मॉल आई, यहां तो स्मॉल आई फ्लो हो रही है, यहां कैपिटल आई। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों वायर, दिस वन और दिस वन, ये तो हो गया पैरेलल, और ये वाला वायर और ये वाला वायर हो गया एंटी पैरेलल। तो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स होता है अट्रैक्शन का, और अपोजिट डायरेक्शन वाले वायर्स में होता है रिपल्शन का, और ये जो वायर है ना
इस पर भी फोर्स है इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कि है ऊपर की तरफ, और ऐसे इस वायर पर भी फोर्स है नीचे की तरफ, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल दोनों, और इन दोनों के बीच में है अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में है रिपल्शन, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो मैं अगले पेज पे चल रहा हूं, एक आएगा अट्रैक्टिव फोर्स, एक आएगा रिपल्सिव फोर्स, और ये आ जाएगा एफ नेट। दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखो बच्चा लोग, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी होता है, तो एक में डी तो ले लो डी वन, एक में डी ले लो डी टू। मैं डी वन डी टू कैलकुलेट कर देता हूं इस डायग्राम में, ये तो हो गया डी वन और ये हो गया इन दोनों के बीच डी टू, तो डी वन तो हो गया एल बाई टू और डी टू हो गया थ्री एल बाई टू। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई एक तो है कंप्लीट बड़ी वाली एक स्मॉल, टू पाई इसको बाहर रखो, एक हो गया आपकी लेंथ डी वन कितनी आई थी एल बाई टू और ये आई थी थ्री एल बाई टू, ठीक है। एल भी आप यहां से कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई आई अपॉन टू पाई एल, यहां से और टू चल जाएगा ऊपर, टू भी कॉमन ले लो, टू से टू कट जाएगा और यह जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री विच विल बी अ टू बाई थ्री, तो आंसर जाएगा टू बाई थ्री म्यू नॉट आई आई अपॉन टू पाई, ठीक है। और ये ध्यान रखो ये जो फॉर्मूला है ना ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, किसका है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, यदि आपको फोर्स चाहिए तो इस पूरे फॉर्मूले को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ कौन सी, इस वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ आपको दे रखी है L, दोनों ही वायर की लेंथ L है, ठीक है, तो L से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में। तो जैसे ही आप L से मल्टीप्लाई करोगे, देख लो एक बार आराम से, L से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी L है ऊपर भी L है, कट जाएगा तो L का फंक्शन तो आने से रहा, 2 बाई 3 का फैक्टर आएगा, देखो कौन सा ऑप्शन है 2 बाई 3 का फैक्टर दो ऑप्शन में, बट L नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज देयर 2 बाई 3 म्यू नॉट आई आई अपॉन 3 पाई, जब 2 बाई 3 पहले बोल दिया तो पाई नीचे आएगा, ठीक है, इजी लगा। चलो तो ऐसा नहीं है कि इन दो वायर्स पर फोर्स नहीं है, इस बीसी वायर पर भी फोर्स है और इस एडी वायर पर भी फोर्स है, बट वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फोर्स बचेगा पैरेलल वायर्स के बीच में, तो ये तो जाएगा अट्रैक्शन, एक हो जाएगा रिपल्शन, तो अट्रैक्शन वाला चूंकि वो पास में है तो अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, राइट, अट्रैक्शन को मोर मानते हुए पहले आगे लिया गया है और रिपल्शन को कम मानते हुए पीछे लिया गया है, और उनका डिफरेंस ही आपका नेट फोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीट 2017 में आया हुआ, आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां आरेख में तीन समांतर तारों की एक व्यवस्था दर्शाई गई है, ठीक है, ये तार इस पेपर पृष्ठ के समतल के लंबवत हैं, कुछ इस तरह से, राइट, इस तरह से लंबवत हैं, ओके, और सभी से आई विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इन तीनों के बीच स्थिर तार B की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण निकालना है। An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying a same current small i along the same direction as shown in the figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. तो B पर आपको क्या निकालना है? B पर आपको निकालना है कि जो फोर्स है वो कितना आ रहा है। अभी अभी कहा था कि दो पैरेलल वायर्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सी वाला बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ए वाला भी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो फोर्स है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ उसने पूछा है, तो सीधा अपन देख लेते हैं अगले पेज पर। एक फोर्स तो हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, एक हो गया स्मॉल एफ इधर, रिजल्टेंट निकालना है तो वो आएगा बीच में, सबको मालूम है कि 90 एंगल पर 90 डिग्री पर जो रिजल्टेंट आता है वो होता है रूट टू टाइम्स ऑफ एफ, दैट इज द फोर्स ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर रिजल्टेंट वाइज, परिणामी रूप से यही आएगा, तो आपका जो फोर्स है एफ नेट वो हो गया रूट टू टाइम्स ऑफ एफ, और स्मॉल एफ की वैल्यू होती है म्यू नॉट। अब ध्यान से देखिए तीनों में करंट सेम है आई, तो दो वायर्स के बीच में जो फोर्स होता है स्मॉल एफ उसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, म्यू नॉट पहली करंट आई वन I2 upon 2 pi d, तो I1 I2 दोनों सेम है तो जाएगा I स्क्वायर और नीचे आएगा 2 pi d, और d आपको कितना दे रखा है
स्मॉल डी दे रखा है, तो स्मॉल डी लिख दो। तो ये जो रूट टू है ना, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आएगा आपका म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन रूट टू आई डी। चेक करो है क्या ऐसा ऑप्शन। यस, थर्ड ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो म्यू नॉट आई और रूट टू है उसमें ध्यान रखना, फोर्थ ऑप्शन में टू है, रूट टू नहीं है, तो रूट टू आएगा नीचे। ओके चलो, तो ये अभी जो फॉर्मूला आया था दो लगातार एक साथ 2000 ये कौन से ईयर में आया, 16 में क्वेश्चन आया है और 2017 में भी वैसा ही क्वेश्चन आया है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि देखो क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं। और देखो क्वेश्चन रीनीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, दो बहुत लंबे सरल रेखीय समांतर चालक ए व बी एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, समांतर, जिनमें क्रमशः 5 एम्पियर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों चालकों की धारा की दिशा समान है, दिशा समान मतलब अट्रैक्शन, चालकों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करें। 3 साल लगातार क्वेश्चन, 16 में 17 में फिर 22 में। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर रेस्पेक्टिवली एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन टू कंडक्टर्स इज सेम, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज, और म्यू नॉट भी दे रखा है। चलो फॉर्मूला क्या है स्मॉल एफ का, म्यू नॉट पहली वायर में करंट दूसरे वायर में करंट अपॉन 2πd। म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷। I1 I2 देख लेते हैं, 5 और 10 है तो 5 एम्पियर इंटू 10 एम्पियर 2πd, और d कितना दे रखा है आपको, d आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 2πd 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 लिख देते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना अच्छा है, आराम से कट गया 2, 5 इंटू 2 10, 10 10 10 तीन बार आ गया, तो 10⁻⁴ बचेगा। देखना ऑप्शन में है क्या, यस, और 10⁻⁴ ऑब्वियस सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज देयर। ठीक है, इजी लगा, मजा आए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रूफ कर दिया मैंने। 2017 में आया हुआ प्रश्न देखते हैं, नंबर 24। 250 फेरो वाली एक आयताकार कुंडली की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर है, इससे 85 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर 0.85 टेस्ला तीव्रता का एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है, तो बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली के 180 डिग्री घुमाने से के लिए आवश्यक कार्य का मान ज्ञात करो। ठीक है, निकाल लेंगे। अ 250 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.25 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर एंड सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। अब मुझे ध्यान दो ना बच्चा लो, वर्क डन करना है अगेंस्ट द टॉर्क, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये लो डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वही डब्ल्यू होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, एक एंगल आप 0 ले लो और एक ले लो 180, 0 डिग्री पर होगा 1, 180 पर होगा माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 इट विल गिव यू वर्क डन इक्वल्स टू 2 एम बी। एम एम है मैग्नेटिक मोमेंट, वो आएगा एन आई ए, और मैग्नेटिक फील्ड आप देख लो जो इतना दे रखा है, चेक करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, यस, करंट दे रखी है, यस, एरिया के लिए लेंथ और विड्थ दे रखी है, यस, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है क्या, यस, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। चलो अब वैल्यूज रखते हैं, 2 इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रहे थे 250, करंट कितनी थी 85 माइक्रो, ठीक है, एरिया 2.1 और 1.25, 2.1 इंटू 1.25
सेंटीमीटर है तो 10^4 आ जाएगा नीचे, दोनों ही सेंटीमीटर में एरिया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितने रखा है 0.85 टेस्ला, तो इनटू में और करना है 0.85, ठीक है, ये सारा काम इनटू में करना है। चलो देखते हैं, ध्यान रखना 250 को लिख सकते हैं 1000/4, चार लिखोगे हजार से तो एक ये चार जीरो में से तीन जीरो कट जाएंगी, ठीक है, और चार नीचे बचेगा, 2 ऊपर 85 ऊपर 2.1 ऊपर 1.25 को लिख सकते हो 5/4, 250 को लिखा था 1000/4, ये देखो एक चार और नीचे आ गया, ठीक है, तो हजार से तो आपने हजार काट दिया, ये 0.85 और बचा हुआ है, तो ये 10 बचेगा नीचे, हजार से यहां कट गया था, 10 चल जाएगा ऊपर, 10^-7। अब पहले ऑप्शंस देख लो, कहीं ऑप्शंस में पावर चल रही है, सारे ऑप्शंस में माइक्रो आ रहा है, तो माइक्रो में से 10^-6 तो अलग कर लो, म्यू 10^-1 को यहां डाल दो 8.5 में, 2 से ये कट गया, राइट, चार चक्कू 16, 1/8 तो यहां से आ गया, इनटू 8.5 गुणा 2.1 गुणा 5 गुणा 0.85, और माइक्रो जूल तो आंसर आ ही गया। अब आपको केवल नंबर देखना है, क्योंकि आप माइक्रो जूल में देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आएगा कितना लगभग, चलो चेक करते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, 0.85 गुना 5, तो ये लगभग आएगा आपका 8×5=40, 4 के आसपास, ठीक है, 4 से कट गया 8, 2, 2 से 2 लगभग कट गया, ठीक है, 8.5 समथिंग या इसके ऊपर आंसर आना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, यस 9.1 माइक्रो जूल, ठीक है, इजी लगा, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 MB, जब आप 0 से 180 डिग्री, उसने पहले बोल दिया 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य होगा, ठीक है। चलो नीट 2018 में आया हुआ प्रश्न देखते हैं, थ्योरेटिकल है, आओ ढंग से पढ़ते हैं। किसी विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच प्रति चुंबकीय पदार्थ की एक पतली छड़ ऊर्ध्वाधर स्थित है, ठीक है, जब विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह छड़ 36 चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर धकेल दी जाती है, इस प्रकार यह छड़ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, ऐसा करने के लिए आवश्यक कार्य क्या है, ऐसा, और ऑप्शंस दे रखें, सोर्सेस दे रखें, किस सोर्स के कारण ऐसा हुआ। अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही इसके अंदर करंट ऑन की गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और जैसे ही एकदम से मैग्नेटिक फील्ड आया तो ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ये अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो भैया ये दूर भाग जाएगा, ये मटेरियल दूर भागेगा, देखो, देन द डायमैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से आउट ऊपर की तरफ, हेंस द रॉड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही है, ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल, ठीक है, द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम, ये वर्क आया कहां से, जनरेट किसने किया, छड़ के पदार्थ की जालक संरचना, क्यों भाई, जब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब क्या संरचना नहीं थी क्या, तो संरचना ने तो नहीं किया। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है, बट यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के आने से हुआ है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पहले नहीं था, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आया तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करता है कौन, ये जो कौन सा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ जिसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक रॉड, तो डायमैग्नेटिक रॉड चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करती है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया चुंबकीय क्षेत्र बनते ही ये काम हुआ, विद्युत क्षेत्र की वजह से नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र की वजह से तो ना ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोज करता है, अपोज करता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, केवल सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलो अब ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं,
आठ त्रिज्या की एक पतली अर्धवृत्ताकार चालक रिंग वलय PQR किसी क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में गिर रही है। गिरते समय इसका तल आरेख में दर्शाए अनुसार ऊर्ध्वाधर रहता है, ऐसे ही गिर रही है। जब गिरती हुई रिंग की चाल स्मॉल v है तो इसके दोनों सिरों के बीच विकसित विभांतर ज्ञात कीजिए। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग द रिंग PQR ऑफ द रेडियस स्मॉल r इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B as shown in the figure. द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज वी विल बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये रिंग जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। आपको पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में आप EMF ऐसे बोल दो। EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BLV, और जो L होता है वो होती है इफेक्टिव लेंथ, इस एंगल से इस कोने तक। और ध्यान से ये तीनों की तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। B परपेंडिकुलर होगा L इफेक्टिव के, और L इफेक्टिव परपेंडिकुलर होगा V के। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो वेलोसिटी आपकी आ रही है नीचे, मैग्नेटिकल आपको हॉरिजॉन्टल, ये आपस में परपेंडिकुलर है। आप जो लेंथ है वो मान लो आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ यहां से यहां तक हो जाएगी आपकी 2R, क्योंकि रेडियस उसने आर दे रखी है। ठीक है, तो आपका जो ईएमएफ आएगा वो आएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, वो आएगा बी एल आपका 2R, वेलोसिटी वी। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लो, 2RBV। देखना ऑप्शन में है क्या, 2RBV ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह कि यदि डायरेक्शन की बात की जाए तो बेटा लोग डायरेक्शन के लिए आप तो आप ये याद कर लो, V क्रॉस B जिस डायरेक्शन में आएगा वो वाला एंड हायर एंड होगा, हायर पोटेंशियल एंड। आप तो बस V क्रॉस B निकाल के देख लो, बताओ वेलोसिटी कहां है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर तरफ। V क्रॉस B आएगा इस तरफ, तो दिस डायरेक्शन या ये वाला जो एंड होगा वो होगा हायर, और वो कौन है, R। तो R जो है वो अधिक उच्च विभव पर होगा। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो निकाल सकते हो। वैसे तो मैग्नीट्यूड से ही आंसर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कैसा लगा आपको, होप अच्छा ही लगा होगा। सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, यहां तक बताया है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।